द्वितीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का प्रारंभ करेंगे। पंचम अंक का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनम् अबोधपूर्वम् भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। रम्याणि वीक्ष्य मधुरान् शब्दान् निशम्य च सुखिनः अपि जन्तुः यत् परि उत्सुकः भवति तत् नूनम् भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि अबोधपूर्वम चेतसा स्मरति। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि पंचम अंक में राजा अपने महल में विश्राम कर रहा है और उस समय उस राजा की एक पत्नी होती है हंसपदिका। वह अपनी उपेक्षा से राजा को उलाहना देती हैं। तब राजा का सेवक दुष्यंत जो कि राजा है उससे कहता है कि वह आपकी उलाहना कर रही हैं कि आपने उसे भुला दिया है। और तब राजा कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ मेरे पास है, मैं घर में हूँ, मेरे परिवार वाले पास हैं, फिर भी हंसपदिका जो एक गीत की रूप में उलाहना दे रही है उसे सुनकर के मेरे मन में शांति नहीं है अपितु दुख हो रहा है। इसी को इसमें बताया गया है। शब्दार्थ रम्याणि अर्थात रमणीय अर्थात सुंदर मनोहर वस्तुओं को वीक्ष्य देखकर, मधुरान मधुर मीठे शब्दान शब्दों को निशम्य सुनकर के, जंतु अर्थात प्राणी या जीव परि उत्सुक है अर्थात उत्कंठित जानने की इच्छा वाला, कुछ विकलता के मन में कुछ कमी है, नूनम निश्चित ही भाव स्थिराणी या भाव करते हैं संस्कार। संस्कार जो हम पहले कोई कार्य किए हुए होते हैं और उन कार्य का संस्कार कुछ भावना हमारे मन में हमारे अज्ञात अवचेतन में दबी रहती है वो संस्कार के रूप में स्थिर यानी दृढ़ हो जाते हैं। जननांतर पूर्व जन्म के सौहृदानी अर्थात प्रिय व्यवहारों को अबोधपूर्वक अज्ञानपूर्वक चेतसा चित्त से स्मृति स्मरण करता है। अनुवाद। राजा कहता है कि मनोहर वस्तुओं को देख करके और मीठे शब्दों को सुन करके भी यदि कोई सुखी व्यक्ति दुखी हो जाता है या मन में कोई व्याकुलता हो जाती है तब निश्चित ही यह उसके मन में पहले के प्रेम व्यवहार जो कि वो जानता नहीं है उनको याद करके और मीठे शब्दों को सुन करके और सुंदर वस्तुओं को देख करके भी सुखी नहीं होता है। इसका भाव यह है कि राजा गीत को सुन करके व्याकुल हो जाता है, मन में कुछ बेचैनी आ जाती है, तब वह चिंतन करता है कि मैं अभी अपने राजमहल में हूँ, सब परिवार वाले साथ में हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मुझे सुंदर वस्तुओं को देख करके अच्छे गीत को सुन करके भी मन में कोई व्याकुलता है। तो इसका अर्थ यह है कि मैंने पहले के जन्मों में या पूर्व के जन्मों में कोई ऐसे भाव मेरे मन में वासना के रूप में दबे हुए हैं, इसीलिए मुझे इन अच्छे गीतों को सुन करके भी कोई सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। यहाँ भाव यह है कि सामान्यतः हम अच्छी वस्तुओं को देख के या सुंदर शब्दों को सुन करके सुखी हो जाते हैं, पर उस समय भी यदि कोई व्यक्ति उदासीन हो तब यह समझना चाहिए कि उसके मन में कोई ऐसा विचार दबा हुआ है, इस कारण से वह उसे जान तो नहीं पा रहा है पर उन अज्ञात भावों से वह
उस समय दुखी हैं भले आसपास का वातावरण सुखी हो। सारांश यह है कि मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही कारणों से दुखी हो सकता है या सुखी हो सकता है। अगला श्लोक, अगले श्लोक में राजा के बारे में बताया गया है कि राजा कभी भी शांत और निश्चिंत नहीं बैठ सकता है, उसे दिन रात प्रजा के लिए काम करना ही पड़ता है। भानुः सकृदयुक्त तुरंग एव रात्रिम दिवम गंधवः प्रयाति शेषः सदेवाहित भूमि भार है षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः। श्लोकान्वय, भानुः सकृद युक्त तुरंगः एव गंधवः रात्रिम दिवम प्रयाति शेषः सदैव आहित भूमि भारः षष्ठांश वृत्तेः अपि एषः धर्मः भवति। श्लोक का अर्थ यह है कि कठिन शब्दों के अर्थ, सकृद, सकृद का अर्थ है एक बार, युक्त अर्थात संयोग किए हुए, तुरंग अर्थात अश्व, भानु अर्थात सूर्य, गंध वह करता वहन करने वाला अर्थात वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, इसलिए वायु को गंध वह कहा गया है। रात्रिम दिवम दिन और रात निरंतर, प्रयाति चलता है, शेष अर्थात शेष नाग, आहित भूमि भार है, आहित का अर्थ है लगाया हुआ, भूमि भार है धरती का भार बोझ, षष्ठांश छठा अंश, प्राचीन काल में राजा जनता से उनकी उपज का 1/6 भाग अर्थात लगभग 16% भाग कर के रूप में लेता था, इसलिए राजा को षष्ठांश वृत्ति कहा गया। उस 1/6 भाग से वो अपने राज्य का पालन पोषण और संचालन करता था, इसलिए उसे षष्ठांश वृत्ति कहा गया है। धर्म अर्थात कर्तव्य, भाव यह है कि राजा को कभी भी विश्राम नहीं है, इसलिए उसकी तुलना सूर्य शेषनाग और वायु से की गई है। अनुवाद, सूर्य एक बार ही उसके अश्वों में जोतने पर निरंतर दिन रात चलता रहता है, वायु रात दिन चलती रहती है, और शेषनाग भी सदैव पृथ्वी के भार को वहन किए रहता है। इसी प्रकार अपनी प्रजा के उपज के 1/6 भाग से जीवन निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य है कि वह दिन रात प्रजा के लिए कर्म करता रहे। इसका प्रसंग यह था कि 4th अंक में शकुंतला को दुष्यंत के घर विदा कर दिया था, और शकुंतला 2 ऋषि कुमारों के साथ उसके दुष्यंत के यहाँ हस्तिनापुर में आई हुई है, और उसकी सूचना देने के लिए उसका जो सेवक है वह सोचता है कि मैं अब राजा विश्राम कर रहा है तो शकुंतला और ऋषि कुमारों के आने की सूचना दूं या नहीं दूं, क्योंकि दूंगा तो इसके विश्राम के समय में व्यवधान आएगा। पर फिर वो विचार करते हैं कि राजा भी सूर्य वायु और शेषनाग के समान निरंतर कर्म करने वाला है, उसे कोई विश्राम नहीं है। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि राजा को निरंतर कार्य करना है, प्रजा के हित में तत्पर रहना है, इसी भाव को यहाँ बताया गया है। अगला श्लोक, प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम युथानि संचार्य रवि प्रतप्त शीतम दिवास्थानमिव दृपेन्द्र। प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते शांत मना विविक्तम युथानि संचार्य रवि प्रतप्त शीतम दिवास्थानमिव दृपेन्द्र। श्लोकान्वय, स्वाहा
प्रजा इव प्रजा तंत्रयित्वा श्रांतमनः दिवा यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः द्वीपेन्द्रः शीतम स्थानम इव विविक्तम आ सेवते। कठिन शब्दों के अर्थ स्वाहा, स्वा का अर्थ है अपने, प्रजा यहाँ प्रजा का अर्थ है, पहले प्रजा का शब्द का अर्थ है अपनी संतान, प्रजा द्वितीय प्रजा का अर्थ है प्रजाजनों का, तंत्र यित्वा पालन पोषण करके, श्रांत अर्थात थके हुए मना मन से, दीवा दिन में, यूथानी झुंड को या समूह को, संचार्य संचालित करके अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर नियोजित करके, रवि प्रतप्त है रवि अर्थात सूर्य, प्रतप्त यानी तपा हुआ, द्वीपेंद्र है द्वीपेंद्र का अर्थ है गजराज, द्वीप का अर्थ होता है गज और द्वीपेंद्र अर्थ है गजों का भी राजा अर्थात गजराज, विविक्तम अर्थात एकांत, आसेवते सेवन करता है उपभोग करता है। श्लोक का अनुवाद, अपनी संतान की समान प्रजाओं का भी पालन करके और थके हुए दिन में जैसे एक हाथियों के झुंड को नियंत्रित करके और सूर्य की धूप से पीड़ित तपा हुआ गजराज जैसे शीतल स्थान में विश्राम करता है, उसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजा के समान प्रजाओं का पालन पोषण करके और दिन में एकांत का सेवन कर रहा है। भाव यह है कि राजा भी निरंतर कार्य करता रहता है और अपनी प्रजा का पालन पोषण करके व्यवस्थाएं करके और दिन में विश्राम करता है, जैसे एक गजराज अपने गजों को समूह को नियंत्रित करके व्यवस्थित करके और दिन में धूप से दुखी होकर के कहीं शांत छाया वाले स्थान में विश्राम करता है। अगला श्लोक, औत्सुक्य मात्र अवसायेति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नाति श्रमापनयनाय तथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृतदंडमिवात पत्रम। श्लोकान्वय, प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसायति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम क्लिश्नाति स्वहस्त धृत दंडम आतपत्रम इव राज्यम अति श्रम अपनयनाय न यथा श्रमाय भवति। यहाँ राजा अपने पद को और अपने पद के कार्यभार को देख करके और तुलना करता है कि राजा को कभी भी शांति नहीं है, भले दूर से लगता है कि एक राजा होना कितना आनंद का काम है, पर पद मिलने पर व्यक्ति उस पद के कर्तव्यों को पूरा करते करते दुखी हो जाता है और वह सुखी नहीं हो पाता है। इसी को इसमें कहा गया है, प्रतिष्ठा अर्थात उच्च पद की प्राप्ति या सम्मान, औत्सुक्य मात्रम, औत्सुक अर्थ है उत्सुकता, किसी श्रेष्ठ वस्तु जो हमें नहीं मिली है उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं उत्सुकता, अवसायति अवसान कर देती हैं, नाश कर देती हैं, लब्ध अर्थात प्राप्त, परिपालन अर्थात उसकी रक्षा, वृत्ति अर्थात उसका कार्य, जो प्राप्त किया है उसको रक्षा का कार्य, एनम इस राजा को अर्थात दुष्यंत को क्लिश्नाति दुखी करता है, क्लेश देता है, स्व अर्थात अपने हस्त हाथ में धृत पकड़े हुए धारण किए हुए दंडम अर्थात दंड को, या दंड के दो अर्थ हैं, पहला है राजदंड अर्थात न्याय का कार्य करना और दूसरा है दंड अर्थात जो प्राचीन काल में धूप से बचने के लिए छाया के तो जो दंड पकड़ते थे छाते को, उसका जो डंडा होता है उसकी संदर्भ में है दंड, आतपत्रम छाते छाता धूप से बचने के लिए, अति श्रम अपनयनाय, अति यानी अत्यधिक श्रम यानी थकावट, अपनयनाय दूर करने के लिए, श्रमाय थकावट को उत्पन्न करने के लिए,
अनुवाद, जब उच्च पद की प्राप्ति होती है तब उच्च पद मिलने पर हमारी उत्सुकता वह उच्च पद समाप्त कर देता है, और जो हमें उच्च पद मिला हुआ है, जो राज्य मिला हुआ है, उसकी रक्षा करने के कार्य का कार्य इस दुष्यंत को दुखी कर रहा है, और राज्य वास्तव में अपने हाथ में पकड़े हुए दंड के समान है, या अर्थात राज्य एक ऐसे दंड के समान है जो स्वयं को ही पकड़ना पड़ता है, और उस पकड़ने से उसको दुख अधिक मिलता है, छाया कम मिलती है, उससे थकावट हो जाती है। भाव यह है कि राजा, जब तक राजा नहीं है तब तक वो राज्य पद को या उस राज्य को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसमें उत्सुकता रहती है, पर जैसे ही राज्य की प्राप्ति हो जाती है तो प्राप्ति के पश्चात उस पद को प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, परंतु उस पद के जो कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं, उसको संभालने में बहुत समस्या आती है। अतः राज्य की प्राप्ति वह उस छत्ते के समान है, उस छतरी के समान है जिसका दंड स्वयं को ही हाथ से पकड़ना है, और उसको लगातार पकड़ने से हमें थकावट अधिक होगी, विश्राम कम मिलेगा। इसी प्रकार राज्य को प्राप्त करने से हमें सुख कम मिलेगा और राज्य के संचालन से दुख अधिक मिलेगा। यह स्वाभाविक ही है कि जब तक हमें कोई पद मिलता नहीं है हमें उत्सुकता रहती है, पर जैसे ही पद मिलता है फिर वह उत्सुकता समाप्त हो जाती है, परंतु उस ऊंचे पद को प्राप्त करने से उसके जो पदीय कर्तव्य होते हैं उनके निर्वहन में और अधिक समस्या आती है, क्योंकि लब्ध परिपालन वृत्ति, जो प्राप्त की गई वस्तु है उसकी रक्षा का भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जैसा पद मिला है उसी पद के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। धन्यवाद।